खबर भी है इससे मुतल्लिक। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर राहुल पिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस ना लेने का फैसला। अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू भी की और फैसला चीफ जस्टिस के दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद किया गया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। यकीनी तौर पर हम उस वक्त अंदाजा लगा रहे थे जब ये आया बयान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जो कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे कि इल्ज़ाम कोई भी लगा सकता है। अब अलबत्ता इंतखाबात से मुतालिक एक अहम मुकदमा 19 फरवरी को मुकर्रर है जी। उस रोज़ फिर इस मामले को टेकअप किया जाता है, इसको इसके साथ मिलाकर देखा जाता है या नहीं देखा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का भी जायजा लिया जाएगा, लेकिन इस स्पेसिफिक आज के बयान से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस ना लेने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और मीडिया को उससे आगाह कर दिया गया है। और फैसला चीफ जस्टिस के दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद किया गया है। और यही बात हम कर रहे थे कि इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमे पर समाअत का मुकदमा है ना, 19 तारीख को जिसकी समाअत तमाम उज़रदारियों को देखा जाएगा, नतायज जो है उनको इंतखाबात के इनेकाद को एज अ होल कालेदम करार देने की जो है वो दरख्वास्त की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो ये बड़ा संगीन नोयत का मामला है और इसको 19 तारीख को मुकर्रर किया गया है। अब इसी मामले के साथ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के जो इल्ज़ामात हैं, गो के इन इल्ज़ामात पर अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि ये इल्ज़ामात कोई भी लगा सकता है, सबूत कहाँ हैं? तो 19 तारीख को अगर कमिश्नर साहब को तलब किया जाता है, जो कि जाहिर है इस तमाम वकूए के बाद अब साबिका कमिश्नर कहलाए जाएंगे बहुत जल्द, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास सबूत क्या है। और यही वो बात है जो मरियम औरंगजेब भी कर रही हैं, दीगर लोग भी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस भी यही बात कर रहे हैं। उसके बाद पता चलेगा कि इसका जो सब्सटेंशियल एविडेंस है वो दें, साबित करें कि ये सारा कुछ हुआ है, उसके बाद आपकी बात में वजन होगा, वरना इल्ज़ाम तो फिर महज इल्ज़ाम ही है, कोई भी लगा सकता है। अगर ये इल्ज़ाम साबित ना हो पाए तो फिर ये भी तवक्को की जा रही है या इस बात का खदशा अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है कि कार्रवाई फंस भी सकते हैं कमिश्नर रावलपिंडी, अपने इस बयान की जद में आ सकते हैं क्योंकि संगीन इल्जामात हैं अहम शख्सियात से मुतल्लिक, पूरे सिस्टम को उन्होंने उस पर सवाल निशान 8 फरवरी के दिन पर उन्होंने सवाल निशान लगा दिया। यानी अगर कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहे हैं, जिनके पास 13 कौमी असेंबली की नशस्तें हैं, उसके अलावा बाकी भी अगर उन जैसे कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि उन्हें भी सामने आना चाहिए, तो फिर मामला जो हैं वो संगीन हैं और इस सूरत हाल में फिर डेफिनेटली जो सवाल हैं वो जवाब मांगते हैं, और अगर वो साबित ना कर सके तो मामला उनके लिए मुश्किल होंगे। गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तजा, यकीनी तौर पर ये वाजह था कि 19 फरवरी का जो इंतहाई आम नोयत का मुकदमा है उसके साथ कमिश्नर रावलपिंडी के मामला सुना जाएगा। इस मामले पर इंडिविजुअल अस खुद नोटिस नहीं है, फैसला हो गया, तमाम जजेस की राय यही है कि इसको अलग से ना सुना जाए। बिल्कुल, तमाम जजेस जो चैंबर में खटे हुए थे पाकिस्तान में उनसे मुशावरत की, सबको ये कहना था कि ये फिलहाल इल्जाम की हद तक है और इल्जाम के अंदर कोई सबूत ऐसा पेश नहीं किया गया और ना ही कोई इस हवाले से कॉन्क्रीट इसमें एविडेंस नजर आ रहा है। ये इल्जाम की हद तक तो ठीक है, कोई भी शख्स इल्जाम लगा सकता है, लेकिन ये है कि क्या सबूत इसके पास है या नहीं है, इस बात का जो अंदाजा है वो लगाना जरूरी होता है। और इसी बात को लेके चीफ ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी चीफ ऑफ पाकिस्तान की इमारत में ही एक तामीर हो रही थी दीवार की, तो वहाँ उधर आए तो कुछ सहाफी जो हजरात थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनसे बातचीत भी की, उनसे पूछ लिया कि अब आप इसके ऊपर अंतिम नोटिस ले रहे हैं। ठीक है, गुलाम मुर्तजा हमें अपडेट करें, गुलाम मुर्तजा आपका शुक्रिया।